सवाल ये कि जब गड़बड़ी स्पष्ट है और कागजी दस्तावेज उसके मौजूद हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जानबूझकर इन गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया गया? हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। राजकुमार, जब इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कहां ये कार्रवाई में लेट लतीफी हो रही है, या फिर जानबूझकर इन गड़बड़ियों को छुपाया जा रहा है ताकि किसी को बचाया जा सके? दीपक, बिल्कुल जिस तरह से मनरेगा की योजनाओं में न सिर्फ धनबाद में और धनबाद के गोविंदपुर बलियापुर जैसे प्रखंडों में, बल्कि पूरे झारखंड की अगर बात कहें तो यही स्थिति है। और जिस तरह से मनरेगा के कार्यों में धांधली होती है, मास्टर रोल बन जाता है, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके खाते में पैसे भी जाते हैं, जी लेकिन वास्तविकता यही है कि तमाम मनरेगा मजदूरों का जो जॉब कार्ड है और जो उसके बैंक खाते हैं वो किसी दलाल के हाथ में रखे हुए होते हैं, और उन्हीं के द्वारा पैसों का निकासी की जाती है, और पैसे निकालकर जो वास्तविक जॉब कार्ड धारी है उनके खाते में महीने में जो भी पैसा जाता है उसके एवज में उन्हें 200-500 रुपया दे दिया जाता है। यही सच्चाई है। और उसके बाद जो तमाम कार्य होते हैं कहीं ना कहीं उसमें जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, मुखिया हो गए, इसके अलावा रोजगार सेवक, जो कनीय अभियंता है, जी असिस्टेंट इंजीनियर, इन तमाम लोगों के द्वारा इस पैसे की बंदरबांट की जाती है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। बात बलियापुर प्रखंड के करमाटार के इस ढांगी गांव की करें तो यहाँ की भी स्थिति कमोबेश यही है, जिसके वजह से जिस योजना को महज 3 महीने में पूरा करना था उसे 10 साल में भी पूरा नहीं किया जा सका। और सबसे अहम बात यह कि हवाला दिया गया कि बारिश होने की वजह से कुएं की जो कार्य थी उसे रोकने का काम किया गया, लेकिन सच्चाई यही है कि जब काम 30,000 रुपए तक का ही हुआ था तो उसमें 1,00,000 रुपए या फिर 99,000 रुपए कैसे निकाल लिए गए? तो यह, और सबसे अहम बात और यह है कि जो लाभुक का पुत्र है जिसने शिकायत की है, पिछले 6 महीने से वह तमाम सरकारी अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा है, कभी उपायुक्त के पास, कभी DDC के पास, यहाँ तक कि उसने RTI के माध्यम से भी पूछने का काम किया, लेकिन न कोई जवाब मिला न कोई कार्रवाई हुई। एक बार जांच की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन वहां भी कोई ऐसा फलाफल निकल कर नहीं आया जिससे कि जो लाभुक है उनका कुआं का निर्माण हो पाता। अगर दूसरी बात करें जो बकरी सेड है, तो उसमें भी लगभग 59,000 रुपए की जो राशि निकाली गई है उसमें भी इसी तरह का घपला सामने आ रहा है कि तमाम जो 3.5 फीट का लगभग जो जोड़ाई था वो कर दिया गया। उसके बाद लाभुक को कहा गया कि आपके खाते में पैसे आएंगे, मटेरियल आएंगे, लेकिन न तो मटेरियल आया और ना ही पैसे आए। अभी सच्चाई यह है कि जितने भी अधिकारियों के पास वह लाभुक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी मिल रही है और कुछ भी इसमें फलाफल निकल नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अब तो इस योजना में तकनीक का प्रयोग करके GPS और फोटो अपलोड करके वस्तु स्थिति से अवगत होने की जो स्थिति है वो भी बनती है, लेकिन फिर भी जब कार्रवाई नहीं हो रही है और ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी हमारी ये रिपोर्ट देखें और वस्तुस्थिति से अवगत हो, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।